इन तमाम सवालों पर, साथ ही साथ जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है 14 के बाद, पूरे देश में मनुवादियों के हौसले बुलंद हैं और दलित उत्पीड़न की घटनाएं अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है, तो लगातार उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। चाहे हाथरस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा हो, जाना हो, परिजनों से मिलना हो, या पूरे देश में कहीं भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती है, तो हमारे संगठन के पदाधिकारी, हमारे संगठन के लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार उसके लिए संघर्ष करते हैं। तो ये तमाम मुद्दे उन मुद्दों के साथ साथ शामिल होंगे, और खास तौर पे ये जो कोलेजियम सिस्टम है न्यायपालिका में, उच्च न्यायपालिका में आरक्षण के लिए भी हमारे संगठन परिसंघ की एक लंबी लड़ाई, लंबी परंपरा रही है उसके खिलाफ संघर्ष की, तो वो मुद्दे भी शामिल रहेंगे ये जो 28 नवंबर की रैली है उसमें। अगर 28 के बाद में सरकार आपकी मांग को नहीं मानती है तो फिर क्या कोई दूसरा विकल्प चुनेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा आंदोलन बीपी मौर्य जी ने किया था, उस समय लाखों लोग जेल में गए थे, उसका परिणाम हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा बनी संसद में, तो वही एक रास्ता है कि जनता के बीच जाएंगे और जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन और तमाम विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उनसे संपर्क किया जाए। सर, जब से कथित दलित सांसद हैं, SC ST के चुनके आते हैं और 1000 करीब विधायक हैं, क्या आपने उसे कोई सहयोग मांगा है इसमें? तो ज्यादातर हमारे पड़े हुए, उनकी हिम्मत नहीं है। मैं संसद में 5 साल तक था, सत्ता पक्ष का होकर के जितना बात, जो जनून बातें होती चाहे।